भगवान की कृपा से मेरा मन हुआ कि मैं इधर उधर जाता हूँ कार्यक्रमों में, तो मेरे भेंट पूजा आती है, तो वो आती है तो कभी भजन गाते हैं, कभी अग्नि नृत्य करते हैं, तो वो जो पूंजी आती है, पैसे आते हैं, वो मैं एक धर्म के अंदर लगाना चाहता हूँ, मेरा ही भी लगाना चाहता हूँ, और कोई देंगे तो मैं उनके अंदर सहयोग करूँगा। इसलिए मेरा मन हुआ कि छोटा सा यह आश्रम बन जाए और छोटा सा मंदिर बन जाए और पाए कबूतरों के वास्ते चौतरा बन जाए, गायों के वास्ते कोई स्थल बन जाए, तो मैं सेवा दे सकूँ और आने वाले समय के अंदर यहाँ एक आश्रम के रूप में और भगवान के रूप में कोई आ सके, रुक सके, मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास भी आना जाना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ एक आश्रम, आश्रम किसको कहते हैं, जो आश्रण आने का आश्रण देना, इसलिए मैंने सब संतों को और महात्मा को पूछ करके मेरे गुरुद्वारे से आज्ञा लेकर के कल यहाँ पर हमारे गुरुद्वारे से मठाधीश मैन है जसना संप्रदाय के, वो आएंगे यात्रा में साथ में रहेंगे। तो मेन रूपरेखा यह है कि एक तो मेरे को प्रसार करना है धर्म का, धर्म क्या है, और जसना संप्रदाय में 37 नियमों का प्रसार करना, इसलिए मैंने ये आयोजन किया है। ये आयोजन न्यू बालाजी नगर बाड़मेर शहर में है और एक शाम जसना जी के नाम भजन संध्या, संतों का आगमन, संतों का स्वयंवर और सभी देव तुल्य 37 कौम के भक्तों से यही मेरा निवेदन है, ये मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो, इस आयोजन को सफल बनाओ। ये एक धर्म ध्वजा है और धर्म ध्वजा के अंदर आप सब सहयोग करोगे तो आने वाले समय में अपने सबके लिए व्यवस्था होगी और मैं आपके बीच में रहूंगा यहीं। इसलिए मैंने एक बड़ा आयोजन करने के लिए आप सभी को आमंत्रण करने के लिए एक शाम कौन संत शामिल होंगे, कौन कौन मेहमान? संत जसना संप्रदाय के महंत हैं, मुख्य पीठ के महंत बीरबलनाथ जी, सती माता के महंत मोहननाथ जी और बम्बलू हरोजी महाराज के नाम से, और लेखमादेसर भंवरनाथ जी महाराज और पूनरासर प्रेमनाथ जी महाराज और पांचला सिद्ध सूरजनाथ जी महाराज, लीलसर से मोटनाथ जी महाराज, सौटन से हमारे जगदीशपुरी जी महाराज और तारातरा से प्रतापपुरी जी महाराज और पनानियातला से जगरामपुरी जी महाराज और हमारे खुशालगिरी जी महाराज, नानपुरी जी महाराज और जेठनाथ जी, जोगनाथ जी, भैर भारती जी, सभी संतों का यहाँ आगमन में वहाँ सबको कार्ड देकर आया हूँ और सबको आमंत्रण दे के आया हूँ। और और क्या क्या आयोजन होने आयोजन कल सवेरे अपने सबकी तैयारी है कि कल सुबह ये फेस्ट में तो कल दिन को यानी 17 तारीख को दिन को वान रैली होगी यहाँ से बाड़मेर शहर में, पूरे शहर में वान रैली, मोटरसाइकिलें होगी साथ में और गाड़ियां भी होगी, तो मेरा निवेदन है ये वान रैली सुबह से रवाना हो जाएगी और रात को रैली पूरी संपूर्ण होकर के बाड़मेर शहर में रैली घूमते घूमते वो शोभा यात्रा वहाँ पहुंचेगी जगह पर जो जागरण स्थल है, आयोजन स्थल है, वहाँ पहुंचेगी। तो रात को वहाँ 30 कुंटल लकड़ी लाई जाएगी, कल शाम को 30 कुंटल लकड़ी जलाएंगे, उन पर आग के ऊपर अग्नि नृत्य होगा, उनका नाम है विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य। ये अग्नि नृत्य सिर्फ और सिर्फ जसना जी महाराज के सिद्ध पुरुष ही करते हैं और ये परंपराएं हैं आज 550 साल से चली आ रही है, वह परंपराएं से यहाँ एक धर्म की ध्वजा के रूप में ये प्रज्वल की जाएगी अग्नि, और अग्नि के अंदर महात्मा अग्नि नृत्य करेंगे, अग्नि को मुंह में लेंगे, अग्नि ऊपर बैठेंगे, जलते हुए आग धधकते अंगारे, पूरी संपूर्ण आग जलती रहेगी, घी डालेंगे, वो आग के अंदर महात्मा लोग नंगे पैरों से ये कपड़ा पहना हुआ, ये सारी जो पोशाक है पहनी हुई होगी, आपके सामने लाइव होगा, वो अग्नि नृत्य होगा। मेन मुख्य पॉइंट है अग्नि नृत्य, गुरु जसना जी महाराज का 36 रूल्स है, 37 नियम पालन करता है, उनके लिए अग्नि नृत्य लागू है और वो कर सकते हैं। अग्नि नृत्य के साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार गजेंद्र जी अजमेरा, गजेंद्र जी राव, श्याम जी पलिवाल, तुलसाराम जी भनगावा जी, ये सब कलाकार आएंगे और कलाकारों द्वारा भजन गाएंगे, और भी बड़े मनसासीन अतिथि लोग आएंगे और राजनेता भी आएंगे और देव तुल्य 37 कौम वहाँ आएंगी। और मेरा यही निवेदन है, आग्रह है, मैं एक भंगवे के नाते आप सभी को निवेदन करने जा रहा हूँ कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी पधारें, सहयोग करें, छोटे रूप से अंदर ये बड़ा रूप होगा आने वाले समय के अंदर, तो भगवान की कृपा से मेरा एक ही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो, और कल ये रैली है, ये शोभा यात्रा है, इनका भी आप शोभा बढ़ाएं, यही मेरा निवेदन है, यही कार्यक्रम है।